जयपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने एनएसयूआई के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर, एआईसीसी सचिव प्रदीप नरवाल, कांग्रेस के विधायक गण और हजारों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था वह आज देश का एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हो रही अनियमितताओं पर सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। पायलट ने कहा कि इस देश में परीक्षा पास करके नौकरी पाना बेहद कठिन, जटिल और मेहनत वाला काम है। जब एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है तो पूरा परिवार भी उसके साथ मेहनत करता है। पायलट ने कहा कि चंद नौकरियों के लिए लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं जिससे भारी प्रतिस्पर्धा होती है। माता पिता क्या क्या यातनाएं झेलकर बच्चों को परीक्षा में मदद करते हैं, लेकिन जब देश में ऐसा कांड होता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। पर्दे के पीछे बैठे लोगों को पकड़ने की जरूरत है और हम सभी को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पेपर लीक कैसे होते हैं और इन्हें करवाने वाले कौन है। केवल कागजी कार्रवाई और भाषणों से मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें देश के उन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने काम को बर्दाश्त करते हैं। इस अपराध को बर्दाश्त करने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना करने वाला है। हमें छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हो उसकी बोली लगेगी, हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों मेहनत करने वाले बच्चे मातम मनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला। पायलट ने जोर देते हुए कहा कि आज नौजवान देश का वर्तमान है और भविष्य है। बाद में कोई कितना भी चाहे, लेकिन हवा, पानी और नौजवान रास्ता ढूंढ लेते हैं। पेपर लीक पर उनका स्टैंड जो पहले था वह आज भी कायम है, क्योंकि हर गलती सजा मांगती है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पहले नहीं हुए, वह बात पुरानी हो गई है, लेकिन अब ऐसे क्या हालात है जो चुनाव नहीं हो रहे हैं। अंत में सचिन पायलट ने विनोद झाकड़ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। आज देश में हालात बदले हैं। आज दिल्ली में जरूर एक सरकार बनी है जो एक खंडित जनादेश आया था, उस खंडित जनादेश के बाद एक मिलीजुली सरकार देश में बनी है। ये बात सच है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया। पूरे देश में तो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा, उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। तपस्या त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे। ये पेपर लीक होते कैसे हैं, करवाने वाले कौन हैं, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के उन लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं,
लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। जिन परीक्षाओं में हम बैठना चाहते हैं उनकी बोली लगेगी, वो हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों हमारे बच्चे परिवार मातम बनाएंगे, दुख बनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सैद्धांतिक संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हम हर सीमा पार करने को तैयार हैं। हम लोगों के दिलों में जगह पैदा कर सकते हैं। मैंने शुरू में जब कहा कि ये नीट का प्रकरण इसने देश को हिला दिया है, और अब मैं देखता हूं कहीं कहीं ना कहीं जब सरकार तो बन गई बीजेपी की, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मीडिया में भी आया है। अब वो भी जो है मुद्दों को दिखा रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं, और विपक्ष की आवाज को वो थोड़ा बहुत दिखाना उन्होंने शुरू किया है।